हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि आरपीयूसी की हम हॉस्टल में हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड ये भी प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम भी आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जिस भी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए थे, ठीक है, जिसको कॉलेज अलॉट हो गया, जिसको सीट अलॉट हो गया, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डाले हैं, ठीक है, किस किस ने अपग्रेड किया, जिसने अपग्रेड किया है उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है, किसको बेटर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि किसी को बेटर कॉलेज, वो अपना मन पसंदीदा कॉलेज लेना चाहता है और उसको नहीं मिला, तो क्या वो जो फर्स्ट उनका कॉलेज में जो मिला था वो ले सकता है, इन सब की हम सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल जो है डाटा डेट्स है उसकी हम बात कर लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को डेट जरूर याद होनी चाहिए आपका। यदि किसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कॉलेज की तरफ से, तो टेंशन नहीं ले, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए हम सब जल्दी से हम ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, वहाँ की डेट्स हैं वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि क्या अपग्रेड करने से कोई बेनिफिट होगा या नहीं। तो आपको फर्स्ट राउंड में जो है सीट अलॉट हुआ था, ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट का हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट राउंड है जो आपको सबको पता है बीएससी एग्रीकल्चर इस स्टूडेंट को मिला है, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसको यूनिवर्सिटी मिली थी। अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे आपका दिया हुआ था, ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि ये आपको जो फिजिकल है आपको जब बुलाया जाएगा कॉलेज तब आपको जरूरत होगी, ठीक है, जिस भी आपको कॉलेज अलॉट होती है, आप जो जिस भी कॉलेज को आप जो है वहाँ पे लेते हो, ठीक है, आप चॉइस फिलिंग जो है सेकंड राउंड में यदि आप अपग्रेड करने के बाद देते हो, तो ये आपको उस कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा। उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए, ठीक है, अपलोड किए, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका क्या चेंजेस है वो आपके एप्लीकेशन लॉगिन पे देखने को मिला, इन सब की हम बात करते हैं और बात करेंगे कि अपग्रेड करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो आपने जैसे ही जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो आपका था, यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन। अपग्रेड का मतलब क्या हो सकता है, यदि समझ में आ रहा होगा आपको, अपग्रेड का मतलब ये होता है कि ये यूनिवर्सिटी आपको नहीं चाहिए, आपने जो चॉइस फिलिंग किया था, मान लीजिए कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अपर में जो आपका रैंक अच्छा है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपने जो है बेस्ट कॉलेज या सेंट्रल कॉलेज या आपने स्टेट का कॉलेज चुना होगा, ये वो कॉलेज यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप क्या करते हो, अपग्रेड करते हो। मान लीजिए कि आप अपग्रेड किए, आपको जो है आप जो है राजस्थान से हो या कहीं कोई भी स्टेट, मान लीजिए आपको दूसरे स्टेट में कॉलेज मिला है, ठीक है, मान लीजिए आप जो है राजस्थान के स्टूडेंट हैं और आपको अनदर स्टेट में कॉलेज मिला, तो आप क्या करना चाहते हो, अपने स्टेट में है वो कॉलेज लेना चाहते हो। तो अब जो देखिए, यहाँ का एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट मान लीजिए, एक राजस्थान का एक साउथ का, ठीक है, तो साउथ का स्टूडेंट क्या, साउथ को जो स्टूडेंट को है राजस्थान में मिला, ठीक है, तो दोनों ही अपग्रेड किए हैं, तो बेनिफिट क्या होगा कि राजस्थान के स्टूडेंट को जो है यहाँ पे जो साउथ का स्टूडेंट है और राजस्थान के स्टूडेंट को राजस्थान में सीट अलॉट हो जाएगा, जो कि इस लड़के को अलॉट हुई है, ठीक है। अब इस लड़के को चाहिए साउथ को, जो कि राजस्थान के स्टूडेंट को यदि साउथ मिला है, साउथ का कॉलेज मिला है, तो साउथ को साउथ वाले को साउथ का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब कि जो है राजस्थान के स्टूडेंट को, एक बार हम समझा देते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट को राजस्थान का कॉलेज मिल जाएगा और साउथ के स्टूडेंट को साउथ का कॉलेज मिल जाएगा। तो क्योंकि यदि उन्होंने चॉइस फिलिंग में अपर डाला है, तो अपग्रेड में वो सारी जो आपने फर्स्ट में चॉइस फिलिंग की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपका नीचे कॉलेज मिला, तो उसके ऊपर के कॉलेज जैसे मिलने के आपको चांसेस होंगे। लेकिन यदि आप ये ही सेकंड राउंड तक आप अपग्रेड करें, थर्ड राउंड में आप अपग्रेड करने की, सेकंड राउंड के बाद अपग्रेड करने की नहीं सोचें, क्योंकि वहाँ पर जो है बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए सीट है वो बहुत ही कम रहेगी। यदि आपसे जो ज़्यादा नंबर वाला, यदि आप ग्रेड किया, मान लीजिए आपके रैंक है 6000 या 5000 या 4000, वहाँ कोई 1500 रैंक वाला यदि वहाँ पे अपग्रेड करता है, तो आई होप सब आपको भी पता होगा कि उसी को जो है सीट है वो अलॉट होगी, आपको अलॉट नहीं हो पाएगी, आप जो है फिर से आपको फर्स्ट राउंड वाले, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप फर्स्ट सेकंड जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है वो आप जो है वापस रिटर्न है जो उस कॉलेज को ले सकते हैं, उसमें एडमिशन है अपना करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं वो 10,000 रुपये जो आपको जो फीस के टाइम आपने जो यहाँ पे सीट लेते टाइम आपने पे की थी, उसके बाद आपको अपग्रेड करने का ऑप्शंस मिला, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ है आपकी फ़ीस में, जो फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस होगी या हॉस्टल फ़ीस, जो सारी फीसेस होती है उसमें से आपको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको रिफंडेबल नहीं होगी, वो उसमें से है वो आपको माइनस करके आपका जो है फ़ीस है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब जो है अपग्रेड करने वालों को आपको सबको बेनिफिट वो भी पता चल गया होगी कि अपग्रेड करने से क्या बेनिफिट होता है। तो देख लीजिए कि आपको जहां सीट नहीं मिला है, ठीक है, आप अपग्रेड कीजिए, वहां सीट मिलने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वहां भी कुछ स्टूडेंट है जिनको जहां सीट पर लेना चाहते हैं वहां सीट नहीं मिले, तो इंटरचेंज है वो आपकी सीट है वो हो जाएंगी, जिससे बेनिफिट है वो दोनों को हो जाएगा। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कुछ डेट्स हैं, देखो डेट्स का आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप डेट्स के आगे पीछे होते हो तो देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, तो डेट से वाकिफ रहें और बार बार आप अपनी ऑफिशियल साइट पे चेंज रही। तो चलिए ऑफिशियल जो है डेट्स है उस पर एक बार हम फोकस कर लेते हैं, तो बने रही वीडियो पे।
तो जिसने डेट्स नहीं पता है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम बता देते हैं वीडियो में जो आपका फर्स्ट राउंड है उसका। देखो ये सारा शेड्यूल हो चुका है, इसका कोई मतलब अब अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन शेड्यूलिंग हो चुका था काउंसलिंग चॉइस फिलिंग का, उसके बाद में आता है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड की कुछ डेट्स हैं वो आपको देखो, सीट अलॉटमेंट लगभग जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है वो उस डेट को हो चुकी थी, ठीक है। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग है उसका आज डेट जो है डेट था वो भी जा चुका था। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज आपको सीट अलॉट हुआ है उसका भी लगभग काम है वो हो चुका होगा। सबको अलॉटमेंट लेटर या अब जिसने अपग्रेड किया है या पेमेंट कर दिया हुआ, ये सारे काम आज हो सकते हैं, हो गए होंगे। अब जिसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे और यदि गलत फील हुआ या टाइम पे मतलब जो भी उनके यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या कॉलेज के द्वारा आपको कुछ दिया गया है तो उसको भी कल आपको जो है दो तारीख को आपको जो है इसका 12 बजे तक इसको चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आपने चेंज किया है डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो प्रॉब्लम आई वो यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स है वो जितना भी डॉक्यूमेंट्स बच जाता है तो रीसबमिट करने का ऑप्शन भी आपको 2 तारीख तक जो है 5 बजे तक आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फीस डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट है जितना आपने 10,000 पे किया है। अब इस 10,000 की बात करते हैं कि 10,000 का आपको जो है क्या रिटर्न होगा, ठीक है। क्या सेकंड राउंड में जिसने भी अपग्रेड किया है उसको जो है 10,000 वापस पे करने पड़ेंगे, या मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती है, अगर कॉलेज से आपको सीट है वो अलॉट हो जाती है तो आपको क्या 10,000 रुपये फिर से पे करने पड़ेंगे सीट अलॉटमेंट होने के लिए, जो आपको पे नहीं करने, ठीक है। यदि आप वो कॉलेज नहीं लेते हो अनदर कॉलेज लेते हो तो आपको ये पे करने नहीं पड़ेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको फीस जो है रिपोर्टिंग के टाइम आपको जो है देना है इसका, लेकिन ये रिपोर्टिंग टाइम है वो सबको एक साथ ही करवाया जाता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड जिसको भी एक जो सारे राउंड्स होने के बाद सबको एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है। अब जिसका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद सेकंड राउंड आपको डेट पता होगा, सेकंड राउंड जो होने वाला है उसका 8 तारीख को आपको 5 बजे इसका रिजल्ट आ जाएगा, 8 तारीख को 8 बजे इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको वही जो है प्रोसेस में से गुजरना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने होंगे, ठीक है। जिसको नया सीट अलॉट हुआ, जिसको पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसको फिर से डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपलोड कर देने हैं, फेस जो आपको पेमेंट है वो नहीं करना होगा। यदि आप वो सीट लेते हो तो आपको रिफंड पैसे जो है आपकी फ़ीस में ऐड हो जाएंगे। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि 5 बजे तक पूरा ये मतलब 17 तारीख तक आपको जनवरी दिसंबर 17 तारीख तक आपको सेकंड राउंड है उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड राउंड है वो स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए कि थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सेकंड राउंड में आपको भी अच्छा फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, लेकिन जिसको भी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यदि सीट है वो अलॉट हो जाती है तो वहाँ अपग्रेड नहीं करें, क्योंकि उसके बाद में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की सीट है वो बहुत ही कम बचती है, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखो थर्ड राउंड है आप उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सभी जिस भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया तो वो एक बार कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अपग्रेड करने का जो है ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो एक बार हमको जो है मैसेज है या टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप ज्वाइन होकर जो हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू डियर, मिलते हैं फिर कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे चैनल पर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।